हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर इंग्लिश सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड सेवेंथ. टुडे वी आर लर्न द पोएम नंबर 7, डैड एंड द कैट एंड द ट्री. ओके, सो लेट वी स्टार्ट. दिस मॉर्निंग ए कैट गॉट स्टक इन अवर ट्री. डैड सेड राइट जस्ट Leave it to me. The tree was wobbly. The tree was tall. Mom said, "For goodness, shake, do not fall." So, क्या था कि fall, shock, scoffed dad. A climber like me, child's play. This is you wait and see. सो कहता कि आज प्रातः एक बिल्ली हमारे वृक्ष में फंस गई. डैड बोले, ठीक है, इसे बचाने का काम मुझ पर छोड़ दो. वृक्ष हिलता डुलता था और ऊंचा था. माँ बोली, परमात्मा के लिए गिर मत जाना. ओके, गिर जाऊँगा. डैड मजाक उड़ाते हुए हंस दिए. मेरे जैसा पेड़ पर चढ़ने में कुशल व्यक्ति कहीं नहीं गिर सकता है. मेरे लिए तो यह बाएं हाथ का खेल है. जरा प्रतीक्षा करो और देखो. ऐसा किसने बोला? डैड ने बोला. ओके द नेक्स्ट ही गॉट आउट द लिटर फ्रॉम द गार्डन शेड. इट स्लिप्ड. ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड. लेडर मतलब जो सीढ़ियाँ होती है वो. ओके, नेवर माइंड से डैड, ब्रूशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट्स. वेल ट्राई प्लान बी स्टैंड Out of the way, mom said, do not fall again. Okay? So, क्या था इसमें कि वह बगीचा के भंडार से एक सीढ़ी ले आया पर वह तो फिसल गई. डैड नीचे फूलों की क्यारी में झा गिरे. कोई बात नहीं, डैड बोले. उन्होंने अपने बालों, चेहरों, पेट तथा शर्ट में से धूल झाड़ी. जो गिर जाते हैं तो शर्ट में तो धूल आ जाती है, तो उसमें से उन्होंने कपड़े से धूल झाड़ी. हम लोग अब दूसरा उपाय करेंगे, जरा हटो. माँ बोली, फिर से गिर मत जाना, समझे ने. ओके, द नेक्स्ट फॉल अगेन से डैड, फनी जॉक. देन ही स्वग हिमसेल्फ अप ऑन ए ब्रांच इट ब्रॉक. डैड लैंडेड फुलॉप बैक ऑन द डैक. मम सेड, स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक. रुबिश से डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू ए क्लाइंबर लाइक मी. सो कहते कि दोबारा गिरना. डैड हंस कर बोले, मजाक. अच्छा, फिर वह उछलकर एक शाखा पर बैठ गए. वह डाल टूट गई. वो जिस शाखा डाल पर बैठे थे ना, वो टूट गई. डैड धड़ाम से पीठ के बल फर्श आ गिरे. वो नीचे आकर गिर गए. माँ बोली, यह बंद करो, तुम तो अपनी गर्दन तोड़ लोगे. बकवास मत करो, डैड बोले. अब हम तीसरी योजना पर काम करेंगे. वह मेरे जैसी आरोही के लिए इतनी आसान है जितनी पलक झपकना. ये कौन बोलता था? डैड बोल रहा था. ओके, द नेक्स्ट. देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वेल. Guess what? He did not fall. He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk, right on the cake. The cat gave a yell and sprang to the ground. Please, as punch to be safe and sound. So it's smiling and smirking. Smug as can be, but poor old dad's still stuck up the tree. So last में क्या हुआ था कि फिर डैड बगीचे की ऊंची चार दीवारी पर चढ़ गए.
कल्पना करो क्या हुआ होगा। वह फर्श पर गिरे तो नहीं, पर एक छलांग में वह वृक्ष के तने के मोड़ या शाखा पर जा गिरे, सीधे बिल्ली पर, जहाँ बिल्ली बैठी थी वहाँ पर वो जा गिरे। बिल्ली ने चीख मारी और जमीन पर उछलकर आ गई। वह खुश थी, सुरक्षित और स्वस्थ। वह हंस रही थी, पर बेचारे वृद्ध डैड वृक्ष पर ही फंस कर रह गए। वो डैड जो थे वो कैट को नीचे उतारने गए थे, पर कैट तो नीचे आ गई और डैड फंस गए। ओके, आर यू गॉट इट? ओके, द नेक्स्ट लेट वी सॉल्व दिस एक्सरसाइज। यहाँ पर ग्लोसरी दी है वुबली। वुबली मीन्स अनस्टेडी। फोर गुडनेस सैक मीन्स अन एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेसिंग प्रोटेस्ट। सॉफ्ट मीन्स लाफ्ड मोकिंगली। चाइल्ड्स प्ले मीन्स वेरी इजी टू डू। लैंडेड फॉलेप मीन्स फेल हैवीली। प्लीज्ड एज पंच मीन्स वेरी प्लीजेड। सेफ एंड साउंड मीन्स अनहर्ट। ओके, अब वर्किंग विद द पोयम। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वॉज डैड श्योर ही वुड नॉट फॉल। सो इट्स आंसर इज डैड वॉज ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ हीज स्किल इन क्लाइंबिंग अप ए ट्री। ही वॉज श्योर ही वुड नॉट फॉल। ओके, उनको कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन थी कि वो कभी नहीं गिरेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस था उनको। ओके, इसीलिए वो ऐसे बोलते थे। द नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज विच परहैज इन द पोयम एक्सप्रेस डैड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट। सो इट्स आंसर इज ए क्लाइंबर लाइक मी दिस परहैज एक्सप्रेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, ए क्लाइंबर लाइक मी, ये जो लाइन है वो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बता रही है। ओके, द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। सो इट्स आंसर इज प्लान ए वॉज टू क्लाइंब ऑन द ट्री बाय यूजिंग ए लेडर, बट द लेडर स्लिप्ड एंड डैड फेल इन द फ्लावर बेड। Plan A was to climb on the tree by using a ladder, but the ladder slipped and Dad fell in the flower bed. Okay, the next fourth question is, Plan C was a success. What went wrong then? Plan C mein kya wrong hua tha? So its answer is, Plan C was a success because the Dad did not use the ladder. He instead leaped from the high garden wall, but the plan failed for the landed on the branch where the cat was sitting. The cat escaped, but Dad got trapped there. Okay, the next fifth question is the cat was very happy to be on the ground. Pick out the perhaps used to express this idea. So its answer is pleased as punch, smug, smiling and smirking. Okay, the next sixth question, describe the cat and dad situation in the beginning and at the end of the poem. So its answer is in the beginning, it was the cat in trouble. It seemed to be trapped on the tree band. Dad made three attempts to recuse the cat. The cat sprang to the ground safe and sound. It was Dad who got stuck up the tree in the end. Okay, the next seventh question is, why and when did Dad say which of the following? So first hai fall. So its answer is Dad said fall when Mom said for goodness snack, do not fall. Then second, never mind. So its answer is Dad said never mind after the ladder slipped and Dad fell in the flower bed. Okay, the next funny joke, its answer is Dad said funny joke when Mom warned him not to fall again. Okay, the next rubbish,
डैड सेड रुबीश व्हेन मॉम आस्क्ड हिम टू स्टॉप ट्राइंग टू रिक्यूज द कैट डैड लाफ्ड अवे ऑल द वार्निंग्स एंड फियर टू मॉम बिकॉज ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ हिज स्किल एंड एबिलिटी टू सेव द कैट. ओके सो योर पोयम एंड एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पोयम एंड एक्सरसाइज.